कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह स्थिति कैसे बनी। ऐसा क्या हुआ जो नेता इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की तरह देखा जाता था, वो पार्टी छोड़ने की कगार पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में अपने समर्थक नेताओं से बातचीत की है, उनसे रायशुमारी की है और सीधे सीधे पूछा कि क्या करना है। इसके बाद छिंदवाड़ा के अन्य कार्यक्रम निरस्त किए गए और भोपाल होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब कहा जा सकता है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि उनकी या उनकी किसी समर्थक की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे की तौर पर देखा जाता था, वो पार्टी छोड़ने की कगार पर कैसे पहुंचे। नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। इसके बाद अचानक उन्हें मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, पार्टी के कार्यक्रमों से भी उन्हें दूरी बना ली और फिर अचानक उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई। वहीं कुछ अहम कारण भी निकल कर सामने आए हैं जिसके कारण कमलनाथ पार्टी छोड़ने को मजबूर है। आइए जानते हैं कि क्या हो सकती है कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की वजह। पहला कारण, मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी नेता आलोक शर्मा ने ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा। आलोक शर्मा ने कमलनाथ पर बीजेपी संघ साठ गांठ के आरोप लगाए थे। दूसरा कारण, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हार मिली लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी 66 सीटों पर जीत कर आई है। इसके बाद भी कमलनाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान छीन ली गई। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तीसरा कारण है, कमलनाथ खुद इस बार चुनाव जीत कर आए, ऐसे में उनकी कोशिश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की जरूरी रही होगी। हालांकि पार्टी की तरफ से कमलनाथ नहीं चुने गए बल्कि उमंग सिंघा नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए। चौथा कारण, राज्य से हटकर कमलनाथ को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें चल रही थी। राज्यसभा चुनाव अभी जल्दी होने वाले हैं, ऐसे में संभावनाएं थी कि कमलनाथ को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसी बीच कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिली जब उन्होंने अपने समर्थक विधायकों और नेता को घर पर बुलाया। हालांकि पार्टी की तरफ से अशोक सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया। और पांचवा कारण, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, चुनाव में बीजेपी की नजर जरूर छिंदवाड़ा सीट पर रहेगी। बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस का वर्चस्व बरकरार रहे, जहां से अभी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मौजूदा सांसद है। कांग्रेस में रहकर नकुलनाथ का इस बार लोकसभा चुनाव में जीत पाना भी एक चुनौती रह सकता है। ऐसे में कमलनाथ और नकुलनाथ इस हार का डर भी कहीं ना कहीं हो सकता है। वो इसलिए भी कि पिछली बार मुकाबला कड़ा था और जैसे तैसे करके नकुलनाथ जीत तक पहुंचे थे। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, कल फिर हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।